तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हाइपर ओएस का। अगर आपको सबसे पहले अपडेट चाहिए तो इसके लिए आपको सिंपल करना क्या है, ऑफिशियल यहाँ पर ग्लोबल और इंडिया के लिए फॉर्म निकल के आ चुका बीटा टेस्टिंग के लिए, जो कि सबसे पहले अपडेट मिलता है हाइपर ओएस या फिर कोई भी MIUI वर्जन होता है उसका आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। ये नहीं होगा कि आपको अपडेट तो आ गया है बट आपके डिवाइस में अपडेट शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे रेडमी नोट 10 प्रो प्रो मैक्स है, इसके अंदर मैंने हाइपर ओएस इंस्टॉल किया हुआ है। फिलहाल तो ये भाई एक कस्टम रोम है बट आपको ऑफिशियल अपडेट चाहिए अपने रेडमी नोट 10 प्रो प्रो मैक्स या कोई भी रेडमी का डिवाइस हो, रेडमी नोट 11 सीरीज हो, 12 सीरीज हो, 9 सीरीज हो, उसमें अपडेट चाहिए सबसे पहले। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करो, मैं बताऊंगा आपको ये डिवाइस में सबसे पहले हाइपर ओएस का अपडेट कैसे आएगा क्योंकि ऑफिशियल फॉर्म जो वो निकल के आ चुके हैं। वीडियो कैसे पसंद आएगी वीडियो को एक लाइक कर देना यार, लाइक करो ज्यादा ज्यादा क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा कि आप लोग लाइक ज्यादा कर रहे हो, आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है। आप ज्यादा ज्यादा लाइक करोगे तब जाके मैं और भी हाइपर ओएस से रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा। लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप देखो गाइस यहां पर मैं आपको देखो हाइपर ओएस की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है कि क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख सकते हो। कंट्रोल सेंटर कैसे इनेबल करना है, यहाँ पर AOD किस तरह से वर्क करता है, सारी चीजें मैंने अपनी वीडियो में दिखा दी है, वो जाके आप यहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको अपडेट चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, और अपडेट यहाँ पर रोल आउट भी होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देख सकते हो ये हाइपर ओएस का अपडेट जो कि चाइना के अंदर स्टार्ट हुआ है, ग्लोबल में बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाला है क्योंकि इसका यहाँ पर बीटा टेस्टिंग की जो लिंक है वो यहाँ पर बाहर आ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस ये है यहाँ पर पोको ग्लोबल स्टेबल, यहाँ पर पोको के ग्लोबल डिवाइसेस भी हैं, इंडिया के डिवाइसेस भी हैं। और यहाँ पर हम बात करें रेडमी और शाओमी की तो देखो इंडिया वाला का लिंक ये है और ये ग्लोबल वालों का लिंक यहाँ पर ये है, ग्लोबल वालों को ये तीनों लिंक आपको मिल जाएगा। MIUI और रेडमी का दोनों का एक रहेगा और पोको वाले डिवाइसेस का अलग रहेगा। और सिंपल अप्लाई कैसे करना, तो देखो चाहे पोको का कर लो आप किसी का भी कर लो, सबका सेम प्रोसेस होने वाला है। तो मैं आपको पोको का डिवाइस का करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपल आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है और नीचे जाना एग्री क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ चीजें पूछेगा, आप इसको पढ़ सकते हो वरना यस यस कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, इससे आपका कोई डेटा वगैरह डिलीट तो होता नहीं है। अब ये आपसे आपकी MIUI ID यहाँ पर मांग रहा है कि आपकी आप अपनी MIUI ID दो। सिंपल सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आपको ये Xiaomi अकाउंट मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको डिवाइस यहाँ पर इस पर टैप करना और ये आपकी MIUI ID मिल जाएगी। सिंपल आप इस पर टैप करोगे ये कॉपी हो जाएगा, कॉपी होने के बाद सिंपल इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो भी आपका पोको का डिवाइस हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसी तरह यहाँ पर मैं आपको इंडिया वाले में भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाते एग्री में जाते, एक डिवाइस से यानी कि एक MIUI ID से एक ही फोन में ये होता है, तो प्लीज़ ये सोच समझ के करना। मैं तो बस आपको करने के लिए यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि मेरे पास भाई काफ़ी सारे फोन से मैं अलग अलग ID से सब में यहाँ पर अप्लाई करूँगा। यहाँ पर देख सकते ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती है, ये सब करने मिलता है। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर भी पोको का नाम पूछा जा रहा है बट हम पोको नहीं करते, पोको के लिए अलग ही मैंने दे दिया, वो पोको की टीम संभालेगी। इसमें क्या कि तीनों का चीज़ एक ही है तो इसको आप छोड़ देना पोको वाले उस लिंक से करना। हम यहाँ पर मान के चलो मेरे पर रेडमी का फोन है, अब रेडमी का कौन सा फोन है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जितने डिवाइसेज यहाँ पर दिए गए ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे डिवाइस में हाइपर ओएस आएगा ही आएगा, क्योंकि कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिनमें कि अपडेट नहीं आएगा फिर भी उनका नाम लिस्ट में, जैसे कि रेडमी K20 Pro 9 9A, ये सारे डिवाइसेज में नहीं मिलेगा फिर भी दिया गया, बट फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास डिवाइस है। तो ये वाला रेडमी नोट 12 Pro 5G मेरे पास डिवाइस है, मैं इसके लिए सिंपल यहाँ पर जाऊँगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। वही देख सकते यहाँ पर MIUI ID मांग रहा है, यहाँ पर मैंने MIUI ID दे दिया, नेक्स्ट किया, उसके बाद ये किया और यहाँ पर आप देख सकते हो कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ चुका है। तो ये हमने रेडमी नोट 12 प्रो के लिए कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते पोको वाला जो था यहाँ पर हम जैसे पोको के लिए कोई भी डिवाइस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर पोको X5 प्रो भी है, पोको X5G भी है और यहाँ पोको X3 का शायद नाम नहीं गिर यहाँ पर पोको X3 प्रो, बट फिलहाल मेरे को नहीं लगता अपडेट आएगा। आप देख सकते इसके अंदर आपका डिवाइस कहाँ का है, ग्लोबल का है, इंडिया का है, यूरोप का, ये सब कुछ आपको देखने मिल जाएगा, बट ये सारे ना कोड नेम होते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग में जाकर एक बार चेक कर लेना आपका कोड नेम क्या है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि इंडिया में जो लोग हैं उनके डिवाइस में भी ग्लोबल रोम होती है, आई डोंट नो कैसे, यहाँ पर जैसे TMO तो ये तीन जो होते हैं उसके बाद आप देखना IN लिखा है, यानी कि मेरा डिवाइस इंडिया का है। जैसा कि इस डिवाइस में आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको क्या देखने मिलता है, यहाँ पर हम जाते हैं अबाउट फोन में जाते हैं तो यहाँ पर जैसे UNBCN लिखा हुआ, CN का मतलब होता है चाइना, इसके अंदर IN लिखा है तो IN का मतलब इंडिया, फिर भी आप चेक कर लेना। यहाँ पर आप देख लेना IN का मतलब इंडिया, MI का मतलब ग्लोबल, तो हम इंडिया पर सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर इस पर टैप करते और ये करते हैं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ आ चुका है। अब क्या होगा, जैसे ही अपडेट मिलेगा सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा, कोई भी रोम डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है सिंपल, क्योंकि क्या होता था काफ़ी सारे लोगों को अपडेट नहीं होता था, वो जाते थे उनके डिवाइस में अपडेट शो नहीं होता, लेकिन आप सबसे
पहले अपडेट जब रोल आउट होगा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपडेट आपको कोई भी 3 डॉट पे जाके चूज पैकेट अपडेट पे जाके कोई भी फाइल को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप मेरे जुड़े हुए हो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं जुड़े तो जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जैसे ही अपडेट रोल आउट होगा। अभी फिलहाल जो अपडेट रोल आउट हो रही है चाइना के अंदर हो रही है, जैसे ग्लोबल के अंदर किसी भी डिवाइस के अंदर होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लेना। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। हाइपर ओएस रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ ये चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर देना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।